नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी की स्पॉट राउंड वन की रैंक प्रेडिक्शन के बारे में। आज हम तीन कोर्सेज के बारे में जानेंगे, बीटेक, एलएलबी और बीकॉम ऑनर्स, तीनों की हम लोग रैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कितनी कितनी स्पॉट राउंड के अंदर जा सकती है। शुरू करते इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट लॉस की। जूनियर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बीकॉम ऑनर्स की, और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को सेकंड शिफ्ट की रैंक्स बता रहा हूं, जिससे आप लोगों को एटलीस्ट वो कॉलेज अलॉटमेंट जरूर हो जाए। सबसे पहले हम लोग बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं। बीकॉम ऑनर्स में आता है आपका यूएसएमएस कॉलेज, जिसकी जा सकती है 550 तक। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का एमएसआई कॉलेज, जिसकी जा सकती है 1100 तक। थर्ड आता है आप लोगों का विप्स कॉलेज, जिसकी जा सकती है 1700 तक। फिर आता है आप लोगों का अग्रसेन कॉलेज, जिसकी जा सकती है 2400 तक। फिर आता है आप लोगों का जिम्स कालकाजी कॉलेज, जिसकी जा सकती है 3100 तक। नेक्स्ट कॉलेज आता है आप लोगों का आईआईटीएम इन्फॉर्मेशन, जिसकी जा सकती है 4300 तक। फिर आता है आप लोगों का आईआईटीएम इनोवेशन, जिसकी ऑलमोस्ट 5000 तक रैंक जा सकती है। फिर आता है आप लोगों का टिप्स द्वारका कॉलेज, जिसकी जा सकती है आप लोगों की 6000 तक। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं रुक्मणी देवी कॉलेज की, जिसकी जा सकती है 6500 तक। फिर आता है आप लोगों का मैरी कॉलेज, जिसकी ऑलमोस्ट जा सकती है 7000 प्लस। तो अगर आप लोग रैंक 7000 प्लस है तो आप लोग मैरी कॉलेज को अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। अब जरा हम लोग बात करते हैं एलएलबी के बारे में, क्योंकि एलएलबी के थोड़े से मैंने कॉलेजेस कम रखे हुए हैं, तो इसके हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता आप लोगों का यूएसएलएलएस की बीएलएलबी के अंदर जा सकते हैं 3800 तक, और सेम बीबीएलएलबी के अंदर 3800 तक जा सकती है रैंक। फिर आता आप लोगों का विप्स कॉलेज की बीएलएलबी के अंदर 17000 तक जा सकती है, और बीबीएलएलबी के अंदर 20000 तक आप लोगों की रैंक जा सकती है। फिर आता आप लोगों का महाराजा सूरजमल कॉलेज, जिसकी जा सकती है 20000 तक बीएलएलबी के अंदर, और 32000 तक बीबीएलएलबी के अंदर। फिर आता आप लोगों का महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जिसकी जा सकती है बीएलएलबी के लिए 35000 तक, और बीबीएलएलबी के लिए 37000 तक। नेक्स्ट आता आप लोगों का गिब्स कॉलेज, जो कि गीता रतन रोहिणी के अंदर है। इसके अलावा इस कॉलेज की जा सकती है आप लोगों की बीएलएलबी के अंदर 50000 तक रैंक, और बीबीएलएलबी के अंदर 52000 तक। इसके अलावा लास्ट हमारा ऑप्शन आता है ट्रिनिटी द्वारका कॉलेज, जिसके अंदर से बीएलएलबी होती है, इसकी जा सकती है 45000 तक। सो अब फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं बीटेक कॉलेजेस के बारे में। बीटेक के अंदर सबसे पहला आता आप लोगों का यूएसआईसीटी, इसकी जा सकती है सीएसई के अंदर 54000 तक, आईटी के अंदर 62000 तक, ईसीई की जा सकती है 75000 तक। मैं आप लोगों से सिर्फ यही तीन ब्रांचेस बताने वाला हूं। एमएसआईटी के अंदर आप लोग जा सकती है सीएसई की 124000 तक, आईटी की 142000 तक, ईसीई की जा सकती है 215000 तक। फिर आता आप लोगों का महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जिसकी सीएसई के अंदर जा सकती है 90000 तक, आईटी के अंदर जा सकती है 116000 तक। फिर आप लोगों का ईसीई आता है, जिसकी जा सकती है 141000 तक। नेक्स्ट आता आप लोगों का बीपीआईटी कॉलेज, जो कि रोहिणी के अंदर है, इसकी सीएसई के अंदर जा सकती है 161000 तक। फिर आप लोग आता है आईटी, जिसके अंदर जा सकती है 195000 तक। इसके अलावा ईसी के अंदर जा सकती है 300000 तक। फिर आता आप लोगों का बीवीसीओई, मतलब भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसकी जा सकती है सीएसई के अंदर 155000 तक, आईटी के अंदर 175000 तक, ईसी के अंदर इसकी भी जा सकती है 300000 तक। फिर आता हमारा नेक्स्ट कॉलेज एडीजीआईटीएम, इसको हम लोग अखिलेश दास के नाम से भी जानते हैं, सीएसई के अंदर जा सकती है 315000 तक, आईटी के अंदर जा सकती है 440000 तक, ईसी के अंदर जा सकती है 530000 तक। नेक्स्ट कॉलेज आता आप लोगों का जीटीपी रजौरी गार्डन वाला कॉलेज, इसकी सीएसई के अंदर जा सकती है 3.5 लाख तक, आईटी के अंदर जा सकती है 4.30 लाख तक, और इसके अलावा ईसी के अंदर जा सकती है 5 लाख तक। इसके अलावा मैं दो कॉलेजेस और आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि नोएडा साइड में पढ़ते हैं, बट स्टिल इनके अंदर आप लोगों को सीएसई का ऑप्शन मिल सकता है, जैसे कि आप लोगों का डीटीसी कॉलेज, जिसकी सीएसई के अंदर जा सकती है 8 लाख तक। इसके अलावा जीएनआईटी कॉलेज, जिसकी जा सकती है सीएसई के अंदर 8.45 लाख तक। सो ये थे आप लोगों के सारे कॉलेजेस और इनकी स्पॉट रैंक प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों की इस वीडियो से हेल्प होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता तो आप मुझको इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।